Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अफगानिस्तान में कयाम अम को कैसे यकीनी बनाया जाए, तालिबान का अफगानिस्तान में किरदार क्या होगा, आलमी रहनुमा आज सर जोड़कर बैठेंगे। मस्कत में अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान, चीन, अमरीका और अफगानिस्तान में मुजाकरात का नया दौर शुरू होगा। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की कयादत में पाकिस्तानी वफ मस्कत पहुंच गया। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद अफगान अमन अमल मुअत्तल हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इसहाक डार के वकील के ना पहुंचने पर असासजात रेफरेंस की समाअत 12 बजे तक मुलतवी। वजीर खजाना एहतसाब अदालत पहुंच गए, समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। पार्टी फंडिंग का मामला हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है। पीजीआई की तफसीलात किसी को फराहम नहीं कर सकते। जो तफसीलात जमा कराई गई उनका जायजा लेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में रिमार्क्स, पीटीआई ने जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में फराहम की वही यहां जमा कराई। हम हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद है। अकबर एसबाबर के वकील के दलाइल समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई पार्टी फंडिंग की तफसीलात वेबसाइट पर डालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान कंपनी का रिकॉर्ड तब्दील और सबूत टेंपर कर रहे हैं। इमरान खान ना अहल हुए तो सियासत छोड़कर लंदन भाग जाएंगे। 2018 में इंतखाबात के नतीजे हमारे हक में आएंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई, कहा एहसन इकबाल हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को लुटेरों से निजात दिलाना जरूरी है, इमरान खान की नाअहली का कोई इम्कान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में जजेस की तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिसेस जारी कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होने पर कोई तनाजा नहीं, हसास तरीन मामला है, इस पर केस की हद तक गुफ्तगू करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। कराची में बिल्डर माफिया बेलगाम, सरकारी जमीनों के बाद कौमी विरसा करार दी गई इमारतें भी साफ करना शुरू कर दी। 4 कदीम इमारतों को मुनदिम करके नए तामीरात शुरू करा दी। एंटी करप्शन की तहकीकात में डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल सदर टाउन समेत अमला मुलव्वस करार। छह रोज गुजर गए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन में मुजाकरात कामयाब ना हो सके। असातिज़ा की हड़ताल के बाइस फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में तदरीसी अमल मुअत्तल। मुजाहिरीन की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। मुतालबात मंजूर ना होने पर टीचर्स कल बनी गाला में धरना देंगे।